में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में करारी हार मिलने के बाद भी सपा नेताओं पर कोई खासा फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। सपा नेता 2022 की तैयारियों को लेकर गांव-गांव में डेरा डाले हुए हैं। समाजवादी पार्टी जानती है 2022 विधानसभा चुनाव का रास्ता ग्रामीण क्षेत्रों से ही होकर गुजरता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व नेता गांव-गांव पहुंचकर सपा की पूर्व की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, साथ ही भाजपा सरकार की खामियों को भी जनता को बता रहे हैं। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में सपा की नज़र दलित वोटरों पर अधिक है, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता दलित वोटरों को साधने में जुटे हैं। अगर बात करते हैं संबल जनपद के चंदौसी विधानसभा की, तो यहां से समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री मोनी कुमारी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव पहुंचकर आम जनता को बता रही हैं। बात करते हैं संबल जनपद की, तो यहां 4 विधानसभा सीटों पर 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो वहीं 2 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमा रखा है। यही वजह है संबल का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। आज आप कासमपुर जगरूप में गई, तो आप क्या कहना चाहेंगी? आज मैं जगपुर गांव में आई थी, यहाँ पर जाटा समाज के लोगों ने मुझे बुलाया था, और यहाँ पर जितने भी जाटा समाज के लोग हैं, इन्होंने आज समाजवादी पार्टी के लिए ज्वाइन करा है, और इन्होंने संकल्प लिया है कि हम जो है समाजवादी पार्टी के लिए 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मेरा जन जन तक यही प्रयास है कि मैं जो हर गांव और हर गली पहुंचूं, और मैं अखिलेश यादव जी की नीतियों को हर घर घर तक पहुंचाऊं, और मैं यही चाहती हूं कि 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। जय हिंद, जय समाज।